चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। शॉर्टफॉर्म डिजिटल कंपनी की सीईओ नियति शाह की कंपनी को बर्बाद करने की धमकी देने वाला शख्स रविंद्र खेरा को क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 11 के अधिकारियों ने जाल बिछाकर 10 लाख रुपए की पहली किस्त लेते हुए पकड़ा है। खेरा के साथ इस रैकेट में सुशील पुरी, इरफान पटेल को भी क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने ही नियति की कंपनी का डेटा चुराकर खेरा को दिया था। आपको बता दें कि रविंद्र खेरा को 10 लाख की रकम लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने जब उसके घर की तलाशी ली तो नियति शाह के अलावा और 20 कंपनियों का डेटा भी बरामद हुआ है। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। मेरा नाम नियति शाह है, शॉर्ट फॉर्मेट डिजिटल प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ हूं। ये मामला एक्सटॉर्शन का है। करीबन एक साल पहले मुझे एक कम्प्लीटली स्ट्रेंजर आदमी ने फ़ोन किया था और मुझे कहा कि तेरी कंपनी की काफ़ी डिटेल्स मेरे पास है और तेरी कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स लीक हुई है, अगर तुम कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती तुम्हारी कंपनी में तो तुरंत आके मुझे मिलो। मैंने सोचा कि हमारी कंपनी की जो भी डीलिंग है वो इंडिया की टॉप कंपनीज़ के साथ है, पूरा जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है वो वाइप में होता है, तो मेरी कंपनी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और मेरी कंपनी का ऐसा क्या कोई भी डेटा लीक हुआ हो सकता है। तो मैंने इस इंसान को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। ये मुझे बताते गया कि तेरी कंपनी में प्रॉब्लम आएगी आएगी आएगी, मैं उसको फुल्ली इग्नोर करती रही जब तक कि हमारे कंपनी में रेड हुई। जब मेरी कंपनी में रेड हुई तभी इस इंसान को भी पता था कि रेड हुई है, तो वो काफ़ी शॉकिंग बात थी मेरे लिए। और उसके बाद मैंने इस इंसान को सीरियसली लेना शुरू किया। मैं उसको फिर मिली और मिली तो उसे मुझे पता चला कि इसके पास मेरी कंपनी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसको लेके मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई, उसके दबाव में आ गई। और फिर उसने मुझसे पैसे मांगना शुरू किया, तो मैंने स्टार्टिंग में उसको 10 लाख रुपए दिए भी। उसके बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ती गई, बढ़ बढ़ के 8 करोड़ पे आके वो आदमी रुका। और इसके पास मेरी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, इसको मेरे बैंक में अगर हम मेरे वेंडर्स से पैसे आते थे वो पता चलता था, मैं क्रेडिट कार्ड अपना स्वाइप करती थी उसको वो इन्फॉर्मेशन रहती थी। तो ये टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी कि कोई आउटसाइडर को कैसे हमारी कंपनी के बैंक ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल डेटा सबका इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और ये किस्सा चलते रहा, मुझे लगा कि ये आदमी समझ जाएगा, हट जाएगा, लेकिन ये स्टॉप ही नहीं हुआ। फिर फाइनली तंग आके मैंने जाके एडिशनल कमिश्नर क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट किया। फिर एडिशनल कमिश्नर ने मेरा केस यूनिट नंबर 11 में दिया, जहाँ के सीनियर ऑफिसर मिस्टर चीमाजी आडव और जो हमारे केस पे जो आयो है मिस्टर हारपुड़े, दोनों ने मिल के मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, बहुत हौसला दिया कि मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहेगी, उन लोग रविंद्र खेरा जो आदमी है जो पकड़ा गया है उसको अच्छे से ट्रैक करेंगे। तो बहुत ही स्मार्टली मिस्टर हारपुड़े और चीमा जी ने प्लान किया, पूरा ट्रैप सेट किया और फाइनली जाके रविंद्र खेरा को अरेस्ट किया। जब तक मिस्टर खेरा अरेस्ट नहीं हुए थे तब तक हम लोग यही कंफ्यूजन में थे कि इनके पास हमारा कंपनी का डेटा कैसे पहुंचा। लेकिन उनके अरेस्ट के बाद जब भी पुलिस ने इंटरोगेशन शुरू की तभी बहुत ही शॉकिंग चीज़ हमारे सामने आई, और वो ये थी कि जो मेरी एक्स पार्टनर थी रचना पुरी, उनके हस्बैंड जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय थे वो सुशील पुरी है उनका नाम, सुशील पुरी और जो मेरे एक्स अकाउंटेंट थे इरफान पटेल, ये दोनों एम्प्लॉयज़ ने मिलके हमारी कंपनी का डेटा स्टील किया और लीक किया था। अभी तक 3 जन अरेस्ट हुए हैं इस हम मेरे केस में, जो एक तो रविंद्र खेरा खुद जो एक्सटॉर्शनिस्ट थे जो मुझे फ़ोन करते थे,
दूसरा सुशील पुरी जो हमारे एक्स एम्प्लॉय थे, और तीसरा इरफान पटेल जो भी हमारे एक्स एम्प्लॉय थे, हमारी अकाउंट्स टीम में काम करते थे। तो ये तीनों जन की अरेस्ट हुई है। मेरा एक ही मैसेज रहेगा और एडवाइस रहेगी जो भी अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं, कि जब भी हम स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू करते हैं तभी हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटा बिजनेस है, किसी को भी हम पार्टनर बना लेते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका बिजनेस कोई भी साइज का हो, बहुत ही सोच के समझ के अपना बिजनेस पार्टनर चूज़ कीजिए। अपनी कंपनी को छोटी समझ के कोई भी इंसान को अपना बिजनेस पार्टनर ना चूज़ कीजिए, क्योंकि आगे जाके जब भी कंपनी बड़ी होती है तभी किसकी ग्रीड बढ़ जाती है और वो किस हद तक चले जाते हैं अपनी ग्रीड पूरी करने के लिए, ये कोई नहीं बता सकता। और हमारे लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग था जब हमें पता चला कि कौन कौन इन्वॉल्व थे हमारी कंपनी का डेटा लीक करने में। तो वंस अगेन मेरी यही एडवाइस है, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू चूज़ योर बिजनेस पार्टनर।